सेवेंथ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से देखना है आपको। ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी यू। इनिशियल वेलोसिटी यू से किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक। द रेशियो ऑफ टाइम्स एट विच इट इज एट पर्टिकुलर हाइट एच इज 1:2। तो जब आप इसको ऊपर फेंकोगे तो ये ऐसे ऊपर जाएगा, ये बॉडी ऊपर जाएगी और फिर ये वापस आएगी इस तरह से। तो कोई पर्टिकुलर हाइट अगर हम लें h, मान लें ये पर्टिकुलर हाइट हमने ली h, ये हाइट कितनी है स्मॉल h, ठीक। ये हाइट कितनी है आपकी स्मॉल h। तो इस हाइट पे पार्टिकल जो है, बॉडी जो है, वो दो बार होगी। एक बार तो ज़्यादा टाइम होगी इस हाइट पे और फिर ऊपर जाएगी, और एक बार उसी हाइट पे आएगी वो आते टाइम। तो दो टाइम होंगे, एक टाइम अगर हम बोलें T1, दूसरा टाइम अगर हम बोलें T2। तो इनका जो रेशियो दिया है वो आपको 1:2 दिया है। द रेशियो ऑफ टाइम्स एट विच इट इज़ एट पर्टिकुलर हाइट एच इज़ 1:2। तो ये रेशियो जो 1:2 दिया है, यानी एक टाइम अगर टी है तो डेफिनेटली दूसरा टाइम कितना हो जाएगा, 2 times t, ठीक। तो डेफिनेटली यहाँ से जब वो जा रही होगी ऊपर की तरफ, तब जब इस हाइट पर होगी तब वो टाइम कितना होगा, तो वो टाइम होगा टी। और जब वो वापस यहाँ से लौट के इस हाइट पे आएगी तब वो टाइम कितना होगा, 2t। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का टाइम t, और यहाँ से आगे यहाँ तक वापस आने का भी टाइम कितना होगा, t। तभी वो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2 times t। तो ये क्लियर हो गया आपको कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम कितना है, t, और फर्दर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम भी कितना है, t, ठीक। तो जब यहाँ तक पहुँचने का टाइम t है, तो यहाँ से वापस नीचे आने का भी टाइम कितना होना चाहिए, t, क्योंकि जो टाइम सिमेट्रिक होती है, जो सिचुएशन है वो सिमेट्रिक होती है। अगर जाने में यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम टी लग रहा है, तो उसी वर्टिकल हाइट से नीचे तक आने में भी टाइम क्या होगा, टी। तो इसका जो पूरे मोशन का टाइम हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम उसको बोलें, या पूरे मोशन का जो टाइम हुआ, वो t + t + t, यानी कितना हुआ, 3t। क्लियर है आपको, ठीक है। अब पूछ कह रहे हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेंड या रीच्ड बाय द बॉडी अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर वो मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करेगा, ये कैपिटल एच आपसे पूछी गई है। और वो कैपिटल एच जो है वो स्मॉल एच के टर्म्स में निकालनी है, यू के टर्म्स में हमें नहीं निकालनी है, ठीक है। तो इक्वेशन बनाते हैं पहले। अगर इसको पॉइंट कहते हैं ओ, इसको कह देते हैं ए, ये हाइट हाइएस्ट पॉइंट है बी, इसको कह देते हैं सी, और ये आखिरी पॉइंट हो गया आपका डी, ठीक। तो ओ से लेकर ए तक की इक्वेशन लिखते हैं हम, ठीक। अपवर्ड डायरेक्शन क्या मानेंगे, पॉजिटिव। तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ है तो पॉजिटिव। h इज इक्वल टू यू टी, और एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो -1/2 g t² टाइम t है। तो एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, ठीक। अब हम लिखते हैं o से लेकर c तक की इक्वेशन, o से a से b होता हुआ c तक की इक्वेशन। टोटल टाइम कितना लगा है, t + t 2t, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अब भी कितना है, h ही है। तो h इज इक्वल टू u टाइम्स 2t -1/2 g, और t की जगह क्या लिखेंगे, 2t² ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक। अब अगर हम थर्ड इक्वेशन लिखें, अगर हम o से लेकर b तक की इक्वेशन लिखें, तो O से लेकर B तक पहुंचने में टाइम कितना लगा होगा, तो O से लेकर A तक पहुंचने का टाइम T, और A से लेकर C तक का टाइम T है, तो A से B तक का टाइम डेफिनेटली हाफ होगा, तो वो कितना होगा, t/2 होगा, क्योंकि सिमेट्रिक सिचुएशन होती है। जितना इस हॉरिजॉन्टल लेवल से B तक पहुंचने में टाइम लगेगा, उतना ही उस B से उस हॉरिजॉन्टल लेवल तक आने में टाइम लगेगा। तो ये टोटल टाइम अगर T है तो हाफ टाइम कितना होगा, t/2। तो लेकिन टोटल हाइट अब कितनी है, कैपिटल H, U टाइम्स टाइम कितना हो गया, 3t/2 -1/2 g 3t/2² ये इक्वेशन 3 बन गई। ये दो इक्वेशंस हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम h की वैल्यू फाइंड करते हैं, और किसके टर्म्स में फाइंड करनी है, स्मॉल h के टर्म्स में, तो सॉल्व करते हैं। अब बस सॉल्व करना ही बाकी है। तो देखो, पहले मैं क्या करता हूँ, पहली दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देता हूँ, क्योंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूँ फटाफट। तो एक तरफ है यू टी, 2 यू टी
माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 4t² होगा, 4t² में एक 2 कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 2gt² और इस तरफ क्या है, ये है ut माइनस हाफ gt² ut और ये 2ut तो इस तरफ बचेगा सिर्फ ut, इस तरफ क्या आने वाला है तो ये 2gt² जब इस तरफ आएगा और इधर माइनस हाफ gt² है तो ये बचेगा 3/2gt², ठीक है। ut की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2gt², ये वैल्यू पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में ताकि h मिल जाएगा आपको gt² के टर्म्स में, और यही वैल्यू पुट करेंगे हम थर्ड इक्वेशन में ताकि कैपिटल एच भी मिल जाएगा आपको gt² के टर्म्स में, फिर हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन वन में, और किस में पुट करेंगे इसको, इक्वेशन थ्री में, दोनों में पुट करेंगे। तो जब इक्वेशन वन में पुट करोगे तो एच इज इक्वल टू कितना आएगा, यू टी की जगह 3/2gt² माइनस हाफ gt², तो ये एच की वैल्यू आ गई आपकी gt², ठीक। जब हम इसको इक्वेशन थ्री में पुट करेंगे तो ये 3/2 पहले से है, यहाँ पे 3/2 टाइम्स ut है और ut की वैल्यू 3/2gt² है तो ये हो जाएगी 9/4gt², ठीक। माइनस ये कितना है, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो रहा है आपका 9/8gt². तो बस सॉल्यूशन तक पहुँच ही गए हैं हम, इनको माइनस करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 9/4 माइनस 9/8, तो 9/8 बचेगा आपके पास, और gt² तो कॉमन ही है दोनों में, ठीक। अब स्मॉल h जो है वो gt² है और कैपिटल h जो आया है वो 9/8gt² आया, तो gt² की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, स्मॉल h, तो कैपिटल h मिल गया आपको स्मॉल h के टर्म्स में, क्या मिल गया, 9/8 टाइम्स स्मॉल h, क्लियर। तो क्या ऑप्शन मिल जाएगा आपको, 9/8 टाइम्स स्मॉल h सी पार्ट, ठीक है। तीन इक्वेशन बनानी है आपको और फिर उन्हें मैनिपुलेट करना है।